हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा। इस वीडियो में आपको लिवर के बारे में पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूं। इसके अलावा आपको कोई भी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये जो डिटेल है आपको एक ही बुक में मिलेगी भी नहीं। कुछ यहाँ पे गूगल से भी सर्च किया है कि कौन कौन सी यहाँ पे इससे डिसीज होती हैं और उनके टेस्ट कौन कौन से हैं। सारे मैंने यहाँ पे फंक्शन इंक्लूड किए हैं और यहाँ पे सारी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आपने अच्छे से इस वीडियो को देखना है, सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो शेप दिख रही है ये है हमारे लिवर की। तो लिवर में यहाँ पे क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं हम लेफ्ट लोब और इसको हम बोलते हैं राइट लोब। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि लिवर में टोटल कितनी लोब्स होती हैं। तो दो लोब्स होंगी मेनली। यहां पे जो राइट लोब है वो आपको देखने से पता लग रहा है कि ये बड़ी होती है किससे, लेफ्ट लोब से। अब यहां पे जो राइट लोब और लेफ्ट लोब है इसके बीच में एक लिगामेंट होता है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, और इस लिगामेंट का नाम क्या है, फॉल्सिफॉर्म। इसको बोला जाता है फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, जिससे ये दोनों लोब्स क्या है, डिवाइडेड है। उसके बाद अगर हम बात करें जो लिवर है, लिवर के अराउंड यहां पे इसके बाहर एक कवर होता है। दोनों लोब्स के अराउंड एक क्या होगा, आपको एक कवर मिलेगा। इसको बोला जाता है, जो इसको कवर करके रखता है इसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। जो ये बाहर की तरफ इसके एक कवर होता है इसको ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं, और ग्लिसन कैप्सूल को भी एक और कवर प्रोटेक्ट करता है। जो सबसे बाहर वाला कवर होता है उसको हम एक्सटीरियर पोर्शन बोल सकते हैं, उसका बोलते हैं, उसका नाम क्या होगा, इसके बाहर एक और कवर होगा लास्ट में, बिल्कुल ग्लिसन कैप्सूल के ऊपर, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम और एक प्रकार का ये मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलेंगे हम, पेरिटोनियम बोलेंगे, जो ग्लिसन कैप्सूल के बाहर की तरफ होता है। तो सबसे ऊपर क्या होगा, पेरिटोनियम होगा जो एक मेम्ब्रेन है एब्डोमिनल कैविटी में। उसके बाद नीचे उसके क्या होगा, ग्लिसन कैप्सूल। उसके बाद यहां पे आपको लोब्स नजर आएंगी। यहां पे लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, और इन दोनों को कौन डिवाइड करता है, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। अब आपको जनरल थोड़ी बहुत तो इसके बारे में आइडिया है लिवर के बारे में, कि जो लिवर है ये क्या है। लिवर एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। अगर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछा जाए तो वो लिवर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा स्किन, और दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा आएगा, लिवर आएगा। लेकिन अगर वर्ड जोड़ दे इंटरनल, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, तो हमारा क्या होगा, लिवर होगा, ठीक है। और हम इसके बारे में क्या जानते हैं, आपको यह भी पता है कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स के रूप में क्या करता है, वर्क करता है। ये क्या करता है, हार्मोन्स भी रिलीज करता है, और बाइल जो है वो किसी डक्ट, जो डक्ट होती है वहां पे उसके रास्ते से नीचे आता है, तो डक्ट भी है इसमें, और हार्मोन्स भी रिलीज करता है सीधा ब्लड में। तो ये दोनों के रूप में क्या करेगा, वर्क करेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहेंगे इसको, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता है। अब मेन बात आती है, अगर इसकी बात करें हम वेट की, तो वेट कितना होता है। अगर मैं पाउंड्स में बात करूं तो वेट इसका होता है 3 पाउंड। अगर मैं बात करूं पाउंड्स में,
3 पाउंड है। और अगर आप पूछेंगे सर किलोग्राम में बताओ, तो किलोग्राम में इसका वेट होता है 1.4 से लेकर 1.7 केजी तक। 1.4 से 1.7 केजी तक क्या होता है इसका वेट होता है। उसके बाद अगर कलर की बात करें तो कलर इसका होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन इसका क्या होगा कलर होगा। अगर फील की बात करें, मतलब इसको अगर हम टच करेंगे ना, फील करेंगे इसको, तो ये रबरी से टाइप का लगेगा। जैसे रबर को हम टच करते हैं तो कैसा फील होता है, वैसे ही हमें यहां पे फील होगा। तो फील इसका कैसा है, जैसे रबड़ हो तो रबरी टच बोलते हैं इसको। जब हम फील करेंगे इसको तो रबरी सा टच आपको फील होगा। प्रोटेक्टेड, ये जो लेवर है अब रबरी सा है तो डैमेज हो सकता है किसी ना किसी इंजरी से, तो ये किससे प्रोटेक्टेड है। तो यहां पे लिवर के ऊपर क्या होती हैं, रिब्स होती हैं, तो क्या बोल लेंगे यहां पे रिब केज। किससे प्रोटेक्टेड है ये, रिब केज से क्या है ये प्रोटेक्टेड है। क्लियर। आर्टरी, अब अगर लिवर में जो आर्टरीज जाती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी उसको क्या बोलेंगी, तो यहां पे उसका नाम होता है हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी बोलते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें लेके जाएंगी, लिवर में। उसके बाद वीन, यहां पे वीन कौन सी होगी, तो वीन का नाम भी यहीं से पड़ जाएगा, हिपेटिक वीन। और हिपेटिक वीन में कौन सा ब्लड आएगा, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, जो कहां से आएगा, डाइजेस्टिव जो ट्रैक है वहां से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड किसमें जाता है, लिवर में जाता है। और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो कहां पे स्टोर हो जाते हैं, लिवर के अंदर, जो हम यहां पे फंक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद यहां पे नर्व, इससे रिलेटेड कौन कौन सी नर्व हैं, तो आपको एक तो ध्यान रखना है सिलिएक, सिलिएक गैंग्लिया, एक तो सिलिएक गैंग्लिया नर्व है, और दूसरी है वेगस नर्व। ये दोनों जो नर्व हैं ये लिवर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो यहां पे ये तो हो गया इसके बारे में जनरल, जो भी चीजें आपको कुछ पता भी होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। तो जो लिवर है वो बाइल जूस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और वो बाइल जूस बाइल डक्ट से होकर कुछ तो गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और कुछ आगे जाकर कहां पे मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है वहां पे जाके वो रिलीज होता है। अब ऊपर से जो फूड है स्टमक वाला स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है वो होता है एसिडिक, और बाइल जूस की वजह से वो कैसा हो जाता है, एल्केलाइन नेचर का हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कोई भी फैट है वगैरह वो डाइजेस्ट हो जाती है अच्छे से, तो बाइल जूस का ये काम है। और कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर। उसके बाद अगर हम बात करें कन्वर्जन, तो क्या ये कन्वर्ट करता है, तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे अंदर ग्लूकोज में होता है, एंड प्रोडक्ट उसका क्या है, ग्लूकोज है। तो जो लिवर है ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेगा, जो ये लिवर है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये लिवर अपने अंदर उसको स्टोर कर लेता है। लिवर के अंदर कुछ स्टोर हो जाएगा एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, और कुछ आपको पता है ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन रिएक्शन करती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसके ऊपर कौन काम करता है, लिवर। उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने ही बॉडी के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं, मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है और कुछ लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है। और कई बार क्या होता है, हमें हमारी बॉडी को अगर ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन इसने स्टोर किया है उसको दोबारा कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन लाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजन लाइसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से दोबारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में क्या हो जाता है,
कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में उसका क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद आरबीसी की प्रोडक्शन, रेड ब्लड जो सेल्स है हमारी, उसकी प्रोडक्शन भी कहां पे होती है, लिवर में होती है, बोन मैरो में होती है, आपको पता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ये हार्मोन की भी क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। अब वो कौन कौन से हार्मोन है, हार्मोन को मैंने अलग से लिख दिया IGF-1। इसका मतलब क्या है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। इसका काम क्या है, जो हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है उसको ये स्टिमुलेट करता है। दूसरा एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। अब इसका काम क्या है एंजियोटेंसिनोजन का, ये क्या करता है ब्लड में, क्या करता है कंट्रोल करता है। कंट्रोल क्या करेगा कि प्रेशर कितना है ब्लड में, प्रेशर कितना है, फ्लूड कैसे जा रहा है हमारे ब्लड में, उसको कौन कंट्रोल करता है, एंजियोटेंसिनोजन। उसके बाद अगर हम बात करें थ्रोम्बोपोएटिन की, थ्रोम्बोपोएटिन जो है ये किससे रिलेटेड होता है, हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स बनती हैं, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन में यूज होता है थ्रोम्बोपोएटिन का। कौन बना रहा है इसको, लिवर बना रहा है। उसके बाद हेप्सिडिन, हेप्सिडिन क्या है, हेप्सिडिन हार्मोन जो है ये हमारे ब्लड में आयरन का जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। अगर ज्यादा आयरन हो जाएगा तो हमें एक बीमारी हो सकती है, यहां पे मैंने वो बीमारी लिखी हुई है डिसीज हीमोक्रोमाटोसिस, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अगर आयरन ज्यादा हो जाए तो ये चीज होती है, तो उसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, हेप्सिडिन हार्मोन। उसके बाद है बीटा ट्रोफिन, बीटा ट्रोफिन क्या करता है, जो पैनक्रियाज होता है उसकी जो बीटा सेल होती है उसके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है, बीटा ट्रोफिन का। तो ये सारे के सारे जो हार्मोन है वो भी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा लिवर। तो ये हमारे चार वक्त तो कंप्लीट हो गए। उसके बाद बात आती है ब्लड क्लॉटिंग की, तो हमारे अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके लिए एक यूजफुल होता है प्रोटीन जिसको बोलते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो भी कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा लिवर, ठीक है। विटामिन के भी इसमें यूजफुल होता है, आपको पता है। और विटामिन के भी कौन स्टोर करके रखता है, लिवर ही स्टोर करके रखता है जो ब्लड क्लॉटिंग में यूज होगा। तो विटामिन के है, फिब्रिनोजन प्रोटीन है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, लिवर। तो ब्लड क्लॉटिंग वाला हो गया। स्टोर्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, अब विटामिन कौन कौन से स्टोर करता है, तो विटामिन ए हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये सारे जो विटामिन है वो लिवर स्टोर करेगा। मिनरल्स की अगर बात करें, मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो हमारा जो कॉपर है, आयरन है, उसके बाद कोबाल्ट है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, एटसेट्रा, जो भी मिनरल्स हैं वो भी लिवर के अंदर ही क्या होंगी, स्टोर होंगी, ठीक है। उसके बाद एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो भी कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर। अब एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है, हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होता है, कई बार ब्लड का जो है प्रेशर ज्यादा हो जाता है, या हम कह सकते हैं जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है तो प्रेशर ज्यादा ना हो जाए, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किसने कंट्रोल करना है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन ने, ठीक है। ऑस्मोसिस क्लियर हो गया। और किसी भी प्रकार का अगर प्रेशर की वजह से लीकेज होता है तो उसको भी प्रिवेंट कौन करेगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन करेगा। बनाता कौन है, लिवर बनाता है, तो ये भी इसका बहुत अच्छा फंक्शन है, एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन। उसके बाद मेक्स कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है लिवर। इसका फायदा क्या है, जो भी हमारे बॉडी में फैट होती है उसको बॉडी के थ्रू लेके जाने के लिए ये यूजफुल होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फैट को बॉडी के थ्रू लेके जाने के लिए क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल यूजफुल होता है, तो उसको कौन बनाता है, लिवर बनाता है। उसके बाद क्लियर्स बिलरुबिन, तो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन जब ब्रेक करता है तो उसमें बिलरुबिन बनता है, बिलीरुबिन। और अगर बिलीरुबिन ज्यादा बन जाए तो ये क्या होता है, एक येलो पिगमेंट होता है,
जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है। तो इस बिलिरुबिन को ब्लड से बाहर निकालने का काम भी किसका है? इसी लिवर का, क्लियर्स बिलिरुबिन। ठीक है, कंट्रोल शुगर, हमारे ब्लड में शुगर जो लेवल है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? लिवर कंट्रोल करता है। एक हमारा रह गया बीच में डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? कोई भी जहरीला या पॉइजनस जो भी सब्सटेंस है, जैसे अमोनिया हो गया, हमारा जब हमारे फूड में जो भी प्रोटीन होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो एमिनो एसिड है, साथ में अमोनिया भी क्या होती है, निकलती है। लेकिन अमोनिया क्या है? पॉइजनस है हमारी बॉडी के लिए। तो उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है कौन? लिवर। यूरिया में कन्वर्ट करेगा, फिर वो आगे यूरिन के हेल्प से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो आगे की किडनी की प्रोसेस है वो। तो यहां पे क्या है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको भी ये क्या करता है, फीड कर देता है। फीड करता है कौन? लिवर करता है बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन आ गया, और साथ में जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है उनको भी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। साथ में अमोनिया को यूरिया में भी कन्वर्ट करता है, काफी अच्छा यूज है। तो ये सारे यूज हो गए इसके। उसके बाद ये मैंने लिखा हुआ है बैक्टीरिया हार्मफुल सब्सटेंस जो है उनको फीड करता है। तो ये हो गया, ये हमारा हार्मोन वाला टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। तो इतने सारे फंक्शन है किसके? लिवर की। और लिवर की एक और खासियत आपको पता होगा, लिवर क्या है, रीजेनरेट हो सकता है, मतलब ये दोबारा क्या हो सकता है, जन्म ले सकता है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर हमारे लिवर का 25% एक टिश्यू बचा हुआ है तो उससे ये सारा का सारा लिवर क्या हो जाएगा, रीग्रो हो जाएगा, दोबारा पैदा हो जाएगा उसी 25% टिश्यू से। तो इतनी अच्छी खासियत है इसकी, रीजेनरेट हो सकता है ये लिवर। अब देखते हैं कि लिवर से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज हैं। तो सबसे पहले है हेपेटाइटिस ए, बी और सी, ये तीनों जो हैं ये वायरस से फैलती हैं। उसके बाद फैटी लिवर डिसीज और यहां पे लिखा हुआ है सिरोसिस। ये जो दोनों डिसीज हैं, जब पॉइजनस सब्सटेंस ज्यादा हो जाए, अगर हम ड्रग्स जो हैं वो ज्यादा इनटेक करें या टू मच एल्कोहल का अगर हम सेवन करेंगे तो वहां पे आपको ये डिसीज हो सकती हैं, फैटी लिवर डिसीज, लिवर के ऊपर फैट जम जाता है, या सिरोसिस डिसीज हो सकती है। और अगर ये काफी लंबे टाइम तक ये चलता रहे तो आपको आगे लिवर का कैंसर भी हो सकता है। तो ये चार डिसीज होगी। उसके बाद है हिमोक्रोमाटोसिस। हिमोक्रोमाटोसिस और जो विल्सन डिसीज है ये इनहेरिटी होती है। इनहेरिटी का मतलब क्या है, अनुवांशिकी होती है, ये अनुवांशिकता के अकॉर्डिंग ये आगे के आगे फैलती है। यहां पे क्या होगा, हीमोक्रोमाटोसिस जो है ये तो कब होती है, मैंने यहां पे भी बताया था आपको, जब हेसिडियन हार्मोन के बारे में बताया था, जब आयरन ज्यादा हो जाए हमारे ब्लड में तो ये हमारे बीमारी हो जाती है। आयरन की ज्यादा भी होने, जो अधिकता है वो भी क्या है, हानिकारक है, टॉक्सिक है वो भी। हर चीज की क्या होती है, एक बैलेंस होता है हर चीज में, जब भी वो चीज ज्यादा हो जाती है तब भी डिसीज होगी, और अगर वो कम हो जाए उस लेवल से तब भी डिसीज होगी। ठीक है, तो किसी चीज की ज्यादा जो होती है वो भी क्या है, हानिकारक है, और कमी भी क्या है, हानिकारक है। अगर हम विल्सन डिसीज की बात करें तो हमारे ब्लड में अगर कॉपर जो है, कॉपर की क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, अधिकता हो जाए, तो हमें विल्सन डिसीज हो सकती है। क्लियर, तो ये छह की छह डिसीज किससे रिलेटेड हैं, लिवर से। इसके बाद अगर हमने टेस्ट करवाना है कि हमें कोई लिवर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं हुआ, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई डिसीज तो नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट है 8K टेस्ट हम देखेंगे। सबसे पहले है क्लोराइड ब्लड टेस्ट। हमारे ब्लड में क्या होता है, क्लोराइड होता है जो एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या होगा, अपने पास एक चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब इसके हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि लिवर में कोई डिसीज हुई है नहीं हुई, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता सकता है, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई बॉन्ड भी बनाएगा। क्लियर, तो ये हो गया।
उसके बाद इलास्टोग्राफी। इलास्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, लिवर में चेक करते हैं कि इसकी जो है फाइब्रस स्टेज तो नहीं पहुंच चुकी है। फाइब्रस का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, इलास्टोग्राफी जब करते हैं कई बार क्या होता है, जो लिवर है उसको पूरा ब्लड उसमें नहीं पहुंच पाता, जितना ब्लड उसको चाहिए लिवर को आगे के आगे उतना उसमें फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार लिवर फेल हो जाता है। तो उसको चेक करने के लिए कि पूरा ब्लड, सफिशिएंट ब्लड लिवर में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उसके लिए हम करते हैं इलास्टोग्राफी। उसके बाद है ERCP। यहां पे ये आपने नाम सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ई का मतलब होता है एंडोस्कोपिक, ई का मतलब एंडोस्कोपिक, आर का मतलब होता है रेट्रोग्रेड। उसके बाद सी से क्या होगा और पी से क्या होगा, इसको बोलते हैं चोलेंगियो पैनक्रिएटोग्राफी। पैनक्रिएटो का मतलब क्या होगा, पैनक्रियास से रिलेटेड, ठीक है, और आगे क्या है, चोलेंगियो, चोलेंगियो पैनक्रिएटोग्राफी। एक तो नाम ही ऐसे हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं। तो एंडोस्कोपिक, आपने एंडोस्कोपी सुना होगा, लिवर में एंडोस्कोपी की नाम सुना होगा। तो एंडोस्कोपिक आर से रेट्रोग्रेड, उसके बाद चोलेंगियो पैनक्रिएटोग्राफी। अब इसमें होता क्या है, ये हमें बाइल जो होती है, हमारी बाइल डक्ट होती है और जो पैनक्रिएटिक डक्ट होती है, वहां पे ये पता लगाते हैं कि वहां पे कोई डैमेज तो नहीं हुआ, वहां पे कोई बीमारी तो नहीं है, तो उसका चेक इस टेस्ट से करते हैं। उसके बाद GGT। GGT क्या है, गामा ग्लूटामाइन, गामा ग्लूटामाइन। उसके बाद क्या है, ट्रांसफेरेज, ठीक है, थोड़े से नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, टेस्ट हैं गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफेरेज। अब इसमें होता क्या है, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है और ये मेनली किसमें होता है, लिवर में पाया जाता है। अब जब लिवर में कोई ना कोई डैमेज होगा तो वहां से लीक होके ये किसमें आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में ये टेस्ट होता ही है। तो ब्लड में अगर ये GGT मिल गया तो मतलब कहां पे डिसीज हुई है, लिवर में डिसीज हुई है, तो इससे ये पता लगता है। उसके बाद है LDH। LDH की फुल फॉर्म है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे तब भी आपके लिए सफिशियंट है टेस्ट। हमारे क्या है, हमारा लैक्टेट, उसके बाद डिहाइड्रोजिनेज। अब इसमें भी क्या होता है, एक LDH क्या है, एक प्रकार का ये एंजाइम है जो लगभग सभी टिश्यूज में पाया जाता है, ठीक है, चाहे वो लिवर है, चाहे वो स्किन है, कहीं पे भी, ठीक है, जब भी कहीं पे भी डिसीज होगी तो ये क्या करेगा, ब्लड में आ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में होगा, तो वहां से इसका पता लग सकता है कि यहाँ पे कोई लिवर से रिलेटेड बीमारी हुई है, क्लियर। उसके बाद लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी तो आपने नाम सुना होगा, इसमें क्या करते हैं, लिवर का जो एक स्मॉल सा पार्ट है जो टिश्यू का, वो निकाल लेते हैं लिवर से, और जो पैथोलॉजिस्ट है उसको माइक्रोस्कोप में देखता है उस पार्ट को, टिश्यू को, और चेक करता है कि टिश्यू में कोई डैमेज तो नहीं है, कोई डिसीज तो नहीं है, तो मतलब एक छोटा सा पार्ट ये निकाल लेते हैं लिवर का, ठीक है। उसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट, ये काफी जनरल टेस्ट है। इसमें क्या होता है, लिवर, पूरे लिवर की जो हेल्थ है वो आपको यहाँ पे स्टडी हो जाती है कि लिवर में कितना एल्ब्यूमिन प्रोटीन बन रहा है, कितना यहाँ पे फिब्रिनोजेन प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पे LDH कितना बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, आयरन कितना है। तो मतलब जो भी आपके जो लिवर से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जो भी प्रोटीन है, जो भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम है, सभी का एक ही टेस्ट यहाँ पे हो जाता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, मतलब लिवर अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, सारी वो अमाउंट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा है MRCP। ये ऐसा ही है जैसे ERCP था, यहाँ पे भी क्या होगा, पैनक्रिएटिक डक्ट होगी, बाइल डक्ट होगी, उनसे रिलेटेड क्या देखा जाएगा, डिसीज देखी जाएगी। M का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक, R का मतलब है रेजोनेंस, और CP वही है चोलिंगियो पैनक्रिएटोग्राफी, नाम इसका ऐसा है चोलिंगियो। तो यहाँ पे है, ये हमारे 8 के 8 टेस्ट हो चुके हैं लिवर से रिलेटेड। उसके बाद ये 6 की 6 डिसीज, उसके बाद ये सारे क्या हैं, लिवर के फंक्शंस हैं, और ये लिवर की यहाँ पे डिटेल है। आई होप सो
ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।